मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको पता है सबसे तेज दौड़े शतक का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है? और क्या आप जानते हैं कि फ्रेंचाइजी क्रांति किस वर्ष शुरू की थी? अगर आपको इन सभी सवालों के उत्तर जानना है तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहें और इस वीडियो को अंत तक देखें, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। So stay connected with us and watch the video till end. भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। सही उत्तर है लुम्बिनी। मंदिरों और ब्राह्मणों को गांवों का सबसे बड़ा अनुदान किस शासक वंश द्वारा दिया जाता था? सही उत्तर है गुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? सही उत्तर है मद्रास। भारत में प्रथम अफगान शासन का संस्थापक था? सही उत्तर है इब्राहिम लोदी। आदि ग्रंथ किसका धार्मिक ग्रंथ है? सही उत्तर है सिखों। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे? सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सा उस वर्ष को दर्शाता है जिसमें सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? सही उत्तर है 326 ईपू। खैबर दर्रा में है सही उत्तर है अफगानिस्तान। भारत के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? सही उत्तर है लीला सेठ। सही मिलान पहचाने। सही
उत्तर है 17 मई विश्व दूर संचार दिवस। विश्व व्यापार संगठन की पहली मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई? सही उत्तर है सिंगापुर। विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है? सही उत्तर है भारत। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए गए थे? सही उत्तर है ईंटों। ताजमहल किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? सही उत्तर है शाहजहां। सबसे तेज दोहरे शतक का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है? सही उत्तर है नाथन एस्टल। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? सही उत्तर है अजातशत्रु। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? 1789। सिंधु लोगों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? सही उत्तर है चांदी। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव थे? सही उत्तर है टाइगवे झूठ। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर है सिकंदराबाद। तो दोस्तों, आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है
तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। और हाँ, हमारे चैनल किड्स लर्निंग सुप्रीति चौधरी को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको कोई नया वीडियो मिस ना करे। जल्दी मिलते हैं एक नए मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सीखते रहें। धन्यवाद।